अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ललित और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से आप चेंजर को यूज कर सकते हैं। तो चेंजर क्या होता है और इसे किस तरीके से आपको यूज करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस चेंजर के मदद से जैसे किसी भी विभाग घर में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक से भी हमारा सारे घर का करंट का सप्लाई दिया जाता है, और अगर इलेक्ट्रिक कहीं उसके विभाग घर के बीच में चलते चलते अगर बंद हो जाता है तो भी हम उसको जनरेटर पे उस चेंजर की मदद से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस वायरिंग को करिएगा और किस तरीके से आप इसे यूज करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास एक चेंजर बोर्ड। तो इसका काम क्या होता है, चेंजर क्या होता है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। किसमें देखिए, टोटल 6 टर्मिनल बनाया गया है, मतलब 6 देखिए, 2, 4 और 6। तो इसका काम क्या है आप अच्छी तरीके से देखिए। इसका जो ऊपर वाला 2 टर्मिनल है उसका दोनों वायर ये है, और इसका जो बीच में जो टर्मिनल है उसका वायर ये है, देखिए इन दो साइड का है, और इसका नीचे में जो है नीचे वाला दोनों वायर ये है। तो हम इसे यूज कहाँ करते हैं, आप कहीं पर भी शादी घर हो या फिर कोई भी पूजा का जहाँ पे पूजा पाठ होता हो वहाँ पर देखिएगा इस सर्किट इस चेंजर का यूज किया जाता है। तो इसको यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सभी चीज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज का पता लग सके। तो चलिए पहले तो हम इसे आपको डायग्राम में बताते हैं कि किस तरीके से ये इसका वायर लगाया जाता है, और उसके बाद हम आपको इसे प्रैक्टिकली मतलब इसमें करंट सप्लाई दे के आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। तो जैसे हुआ ये एक पॉइंट हुआ हमारा ये, और एक ये दूसरा हुआ ये, और ये तीसरा हुआ ये, और ये तो ये हो गया टोटल हमारा 6 पॉइंट। तो इसमें से हमने 2 वायर निकाले हैं, इसमें से हम 2 वायर निकाले हैं, और इसमें से 2 वायर निकाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फेज एक न्यूट्रल, जो हमारा मेन जो इलेक्ट्रिक का जो हमें रोड साइड पे या फिर अपने घर के मीटर से हम 2 फेज निकालते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल। तो इसे हम सबसे ऊपर वाले टर्मिनल में लगाते हैं, और जिससे हमें सप्लाई देना है, जैसे कि हम इसमें सप्लाई देते हैं, चाहे उसमें हमें कुछ भी जलाना हो, मतलब बल्ब हो या फिर शादी डेकोरेटर में जो होता है बोर्ड लाइट हो, या फिर जितना भी मतलब हमें सप्लाई देना है वो हमें इससे देना है। तो इसका ये फेज हो गया, ये हो गया न्यूट्रल इसका, और इसमें क्या होता है, इसमें भी एक फेज एक न्यूट्रल है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इसमें हम लगाएंगे जनरेटर से जो करंट हमें मिलता है फेज और न्यूट्रल का, तो हम इसमें जनरेटर का पॉइंट लगाएंगे। तो क्या होगा, जब हमारा लाइन रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक सर्विस जब रहेगा तो हम इसका जो चेंजर का जो ये हैंडल है, ये जो हैंडल है, तो इस हैंडल को हम इसके साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। तो हमारा जो ये लाइन आया, ये सप्लाई हमें इससे निकल के चल गया, यहाँ से और यहाँ से ये सप्लाई निकल गया। जब हमारा इलेक्ट्रिक कट जाता है तब हम क्या करते हैं, इस फेज को यहाँ से हटा के हम इसे इस साइड जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, हमारा जनरेटर से ये एक्टिव हो गया और ये हमारा जनरेटर से सर्विस इसका निकल गया। तो आशा करते हैं कि आपने समझे हैं। तो अब हम आपको इसको प्रैक्टिकली जला के और दिखाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सप्लाई में जो होगा हम ये होल्डर लगा देते हैं।
इसके दोनों साइड में हम होल्डर लगा देते हैं। और इसमें लगा देते हैं एक बल्ब ताकि आपको इसे दिखा सके। अब हम इसमें एसी का वायर लगाते हैं। अब हम इसमें देते हैं एसी का सप्लाई। तो ये हम इसमें एसी का सप्लाई दे चुके हैं। अब हम आपको इसे जला के दिखाते हैं। देखिए अभी इसमें और इसमें करंट दिया हुआ है। अगर हम इसे इस तरीके से, अभी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऊपर वाला में दिया हुआ है, तो हम आपको ऊपर वाले में टेस्टर की मदद से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा टेस्टर, देखिए, ये देखिए, ये देखिए टेस्टर में। आप ध्यान से देखिए, हम आपको लाइट बता के दिखाते हैं। देखिए यह है टेस्टर में, लाइट आया है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे चार्ज करते हैं। देखिए तो ये बल्ब हमारा जलने लगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से अभी फिलहाल दोस्तों इसी में, इसमें भी करंट है, देखिए इसमें भी है, इस मतलब ये चारों टर्मिनल में अभी भी हमारा इसमें करंट नहीं है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम हटा लेते हैं। तो फिर से हमारा ये खत्म हो गया। अब हमें अगर इसमें लगाना है जनरेटर पर, तो चलिए हम इसे आपको जनरेटर पर लगा के दिखाते हैं कि अगर कभी भी हमारा सप्लाई वाला लाइन जो है, इनपुट जो कट जाता है, उसके बाद हम इसे जनरेटर पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये अभी हमारा इसमें करंट है, देखिए लाइट, आप टेस्टर की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए इसमें अभी लाइट है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस साइड में देंगे, देखिए बल्ब हमारा जलने लगा। तो चेंजर इसी तरह से अपने काम करता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही दिखाना था कि एक चेंजर क्या होता है, चेंजर से किस तरीके से काम किया जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।